तो दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमको अपने चैनल को सर्च लिस्ट में कैसे लेकर आना है, कि हमको अपने चैनल का नाम सर्च करना है और नाम सर्च करने के ऊपर सबसे ऊपर में हमारा चैनल आए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा दमदार तरीका जो मैंने खुद आजमाया, क्योंकि दोस्तों जब मैंने भी कुछ दिनों पहले जब चैनल स्टार्ट किया तो दोस्तों मेरा चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आ रहा था। ये समस्या मेरे सामने मुझे बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, लेकिन बाद में मुझको पता चला कि किस तरह आप अपने चैनल को सर्च लिस्ट में ला सकते हैं। दोस्तों अब क्या होता है कि जैसे मेरे चैनल का नाम है मिस्टर सोहन टेक, और आप मिस्टर सोहन टेक चैनल को सर्च करेंगे तो दोस्तों सर्च करने के बाद मेरा चैनल सबसे ऊपर आता है और मेरे जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल के नीचे में आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों ऐसा मैंने क्या किया कि मेरा चैनल सर्च लिस्ट में सबसे नंबर वन पे आ रहा है, सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा है। तो दोस्तों ऐसी ही तरकीब मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आप भी अपना चैनल सबसे ऊपर सर्च लिस्ट में ला सकते हैं, और जो आपको समस्या स्टार्टिंग में होती है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि जब तक आपका चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आएगा तो दोस्तों आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आप लाना चाहते हैं अपने चैनल पर, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप नहीं पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो यही होता है कि हमको अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में कैसे लेके आना है कि हमारे चैनल का नाम सर्च करने के बाद सबसे टॉप पर आए। तो दोस्तों मैंने भी कुछ ऐसी ट्रिक्स आजमाई है जिससे मेरा चैनल सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आ रहा है। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है मिस्टर सोहन टेक, आप सर्च करके देख सकते हैं, मेरा चैनल आपको सबसे ऊपर में मिलेगा और मेरी वीडियोस भी वहां चैनल के नीचे में शो होती हुई दिखाई देंगी। आज की वीडियो में आपको यही ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने चैनल को सर्च में सबसे ऊपर ला सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट करके हमको बता दीजिए कि मेरी ये जो बताई हुई ट्रिक है ये आपके काम में आई है कि नहीं आई है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करना। अब धीरे धीरे यूट्यूब खुल रहा है। डेस्कटॉप साइट पर आपको जाना है। डेस्कटॉप साइट पर आपको जाने के बाद क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो पूरा देखते जाइए ताकि आपको पता चल सके कि आपका चैनल सर्च लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा है और आपको क्या करना है कि आपका चैनल सर्च लिस्ट में आ जाए। तो दोस्तों आपको अपने चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद दोस्तों देखिए ये मेरा चैनल है, यहां पर जो ये कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। पेज खुला दोस्तों, पेज को खुलने दीजिए और वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ये तरीका पता चल सके जिससे आपका जो चैनल है वो सर्च लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी खुद की दोस्तों ये अपनाई हुई ट्रिक है। अब दोस्तों देखिए अब हम सबसे नीचे में जाएंगे। सबसे नीचे ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद चैनल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। चैनल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों देखिए ये जो कीवर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आपको अपने चैनल के नाम से रिलेटेड सर्चेबल कीवर्ड्स या टैग्स बोल लीजिए यहां पर आपको डालने हैं। दोस्तों जैसे कि मेरे चैनल का नाम है मिस्टर सोहन टेक, तो दोस्तों मैंने यहां देखिए क्या क्या डाला हुआ है, मिस्टर सोहन टेक, मिस्टर सोहन टेक, मिस्टर सोहन टेक। दोस्तों ये मैंने तीन बार इसलिए डाला है दोस्तों ताकि ये मेरा जो चैनल है गूगल में रैंक हो सके और सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आ सके। हैशटैग लगाकर भी मैंने अपने चैनल को यहाँ पर चैनल के टैग्स को यहाँ डाला हुआ है। देखिए मिस्टर सोहन के टेक वीडियोस, मिस्टर सोहन टेक के वीडियोस, टेक चैनल टिप्स, टेक चैनल ट्रिक्स, मिस्टर सोहन, हैशटैग मिस्टर सोहन टेक। तो दोस्तों ऐसे ही सर्चेबल कीवर्ड्स आपको भी अपने चैनल से रिलेटेड यहाँ पर डालने हैं, और डालने के बाद दोस्तों ये देखिए नीचे साइड में सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर तो मैंने अपने कीवर्ड सेव किए हुए हैं, लेकिन जब आप कीवर्ड्स अपने चैनल से रिलेटेड यहाँ पर डालेंगे तो आपके चैनल में ही ये ब्लू कलर में शो होगा, आपको सेव कर देना है। आपके कीवर्ड सेव हो जाने के बाद 2 से 3 घंटे में आपका जो चैनल है वो सर्च लिस्ट में आ जाएगा। और अगर दोस्तों 2 से 3 घंटे में अगर चैनल आपका सर्च लिस्ट में नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगले दिन उठकर चेक करना आपका चैनल सर्च लिस्ट में
आ जाएगा। और आपने अगर दोस्तों अच्छे से कीवर्ड अगर डाले हुए होंगे तो आपका जो चैनल है वो सर्च लिस्ट में सबसे टॉप पर रैंक करेगा। तो दोस्तों इस तरकीब के जरिए आप अपने चैनल को सर्च लिस्ट में ला सकते हैं। दोस्तों मेरा चैनल भी पहले सर्च लिस्ट में नहीं आता था, लेकिन अब मेरा चैनल जो है सर्च लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने चैनल को सर्च लिस्ट में ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों अगर यही सर्चेबल कीवर्ड्स अगर आप अपने चैनल के टैग्स में लगा देते तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका चैनल भी सर्च में सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर शो होगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को आजमाइए, और जैसे कि मैंने खुद इस ट्रिक को आजमाया, और दोस्तों पहले क्योंकि मेरा चैनल सर्च लिस्ट में नहीं आता था, लेकिन इस ट्रिक को आजमाने के बाद ये जो टैग्स मैंने अपने चैनल के कीवर्ड्स में लगाए, इन टैग्स को लगाने के बाद दोस्तों मेरा जो चैनल है वो सर्च में सबसे टॉप पर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपने YouTube चैनल में यही करना है, सर्चेबल कीवर्ड टैग्स लगाने हैं, जिससे आपका जो चैनल है वो सर्च में सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और आज के लिए बस इतना ही।